विद, जिसका अर्थ है नाल। प्यारे विद्यार्थियों, विद का इस्तेमाल आप उदो करना है जो पंजाबी दे विच आपां नाल शब्द का प्रयोग करते हैं ते यंत्र की कोई गल हो, जिवें ही बीट्स हिज सर्वेंट विद अ स्टिक, वह अपने नौकर नूं सोटी नाल कुटदा है। जदों कोई साधन का उपयोग किया गया हो उदों आपां साधन वास्ते विद का इस्तेमाल कर लेना। इस तरह उदाहरण है, आई रोट अ लैटर विद अ मार्कर। मार्कर की है, एक साधन है। तो जो साधन की गल करनी है उदो आप विद का प्रयोग करना है। जे व्यक्ति बारे गल करनी है तो द्वारा शब्द अपने को पंजाबी च, ते अंग्रेजी दे विच बाय लगाना है। तो फिर दस दिए कि जेकर किसी सोटी नाल, किसी हथौड़े नाल, किसी मार्कर नाल, पेन नाल कोई काम किया जाता है, किसी साधन का इस्तेमाल किया जाता है तो विद लावांगे। जेकर कोई काम किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उदों आपां बाय लावांगे। बाय अर्थ हैगा द्वारा। कदों वरतना है? व्यक्तियां वास्ते। विद कद वास्ते वरतना सी? साधना वास्ते। तो बाय दे द्वारा गल करदे हां। दिस बुक इज रिटन बाय गोपाल, एक किताब गोपाल द्वारा लिखी गई है। तो क्योंकि गोपाल व्यक्ति है इस करके आपां उहदे नाल विद नहीं लाउणा, बाय लाउणा, बाय गोपाल। कई बारी ना शब्द इक्को जे लगदे आ देखण दे विच पर उहदी वरतों बिल्कुल वक्खरी हुंदी है। उदाहरण दे लई शब्द हैगा डिसाइड, शब्द है बिसाइड, नेड़े, जां इहदा अर्थ हुंदा असंगत। असंगत दा मतलब सही नहीं। शी केम एंड सैट बिसाइड मी, ओ आई अते मेरे नेड़े बैठ गई, ओ आई ते मेरे कोल बैठ गई। तो इहदा मतलब की होया कि बिसाइड दा की अर्थ निकलदा है? नेड़े जां कोल। एक होर एग्जाम्पल लेते हैं, Your answer is beside the mark. तुहाडा जिहड़ा उत्तर हैगा ओह असंगत है, जां कह लो कि तुहाडा उत्तर सही नहीं है, जां कह लो तुहाडा उत्तर ढुकवां नहीं है। तो beside का की अर्थ निकलिया? असंगत, सही नहीं, ढुकवां नहीं। इहदे नाल मिलदा जुलदा शब्द है besides, सिर्फ की फर्क है इस नाल वध लग्या वे बिसाइड्स। इहदा अर्थ बिल्कुल बदल जांदा इहनां तों। इहदा अर्थ हैगा तो इलावा। आई हैव थ्री अदर पेन्स बिसाइड्स दिस पेन, मेरे कोल इस पेन तो इलावा तीन होर पेन हन। तो इलावा तो की अर्थ निकलिया? तो इलावा। तो इतने आप बिसाइड्स जो शब्द वरत्या सीगा उहदा अर्थ निकलदा वाक दे विच तो इलावा। आई हैव थ्री अदर पेन्स बिसाइड्स दिस पेन, मेरे कोल इस पेन तो इलावा तीन होर पेन हन। वर्ड इज सिंस, तो पॉइंट ऑफ टाइम, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1977, ओ इस मकान विच 1977 तो रह रहा है। तो इथे जिहड़ा तो शब्द सी उहदे वास्ते आपां सिंस लाया, पॉइंट ऑफ टाइम वास्ते। नैक्सट हैगा फॉर, इत्थे भी तो मतलब निकलदा है पीरियड ऑफ टाइम। जदों आपां इहनूं सिंगल बोलदे आ फॉर बोल दिंदे आ, जदों वाक च बोलांगे फॉर लम्मा कर दिंदे आ आड़े नूं। तां इहदी गल करदे आ आपां, दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 60 ईयर्स, ओ इस मकान विच 60 सालां तों रह रहे हन। तां 60 साल एक समा, एक समय दी खास किस्म, वक्फा हो गया, पीरियड हो गया, उहदी गल आपां समझदे आं। प्यारे विद्यार्थियो, पॉइंट ऑफ टाइम दे विच समय दा सिर्फ एक बिंदु दित्ता हुंदा, जिवें 4 बजे तों, सवेर तों, 2 बजे तों, 9 बजे तों, 1977 तों, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ।
चार बजे तो, दो बजे तो, सवेर तो, सोमवार तो, एक गल पॉइंट ऑफ टाइम है, बिंदु एक ही दिता है, पीरियड नहीं है, वक्फा नहीं दिता। ये गल अपन हम समझ लग जूगी। पीरियड ऑफ टाइम के विच की होंगे कि एक स्टार्टिंग बिंदु होंगे ते एक कितने ना कितने संकेत मिलता है कि उसका अंतम बिंदु भी होगा। तो जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो वे, एक एंड पॉइंट हो वे, मन के विच ही सोचनी है गल, तो जिहड़ा इहदे विचकार दा समय जिवें 9 बजे तो काम कोई शुरू होया ते 11 बजे तक चलता रहा तो आप कहोंगे 2 घंटे हो गए। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक कितने ना कितने असिद्ध रूप दे विच एंड पॉइंट भी होंगे, तो वह की बन जाता है, पीरियड बन जाता है। उदो जो पीरियड बन जाए 60 साल तो, 2 घंटे तो, 14 दिन तो, 20 साल तो, 40 मिनटा तो, इस तरह जो आप बोलेंगे उदो आप शब्द एफ ओ आर फॉ लगाना है। थर्ड इज फॉ, एक पहला भी आप उपयोग देखे से इसका, उदो अर्थ समय के संबंध के अर्थ निकल रहा है तो, जो साधारण अर्थों के इसका इस्तेमाल करा फॉर का तो उसका अर्थ निकलेगा लई। दिस इज फॉर यू, ये तुहाडे लई है। फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ होंगे तो, यह किसी भी टेंस के इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस टाइम टेबल विल कम इन फोर्स फ्रॉम मंडे, यह समा सारणी सोमवार तो लागू होगी। प्यारे विद्यार्थियों, जेडे इंग्लिश दे बेसिक वर्ड्स आपां स्टडी कर रहे हैं, इन्दे विचों कुछ प्रेपोजिशन्स होणगीआं, कुछ मॉडल्स होणगे, कुछ डिटरमिनर्स भी होणगे, पर आपां इन्हां नूं बतौर प्रेपोजिशन्स, बतौर मॉडल, बतौर डिटरमिनर्स स्टडी नहीं कर रहे। आपां इन्हां दे जेडे साधारण अर्थ हन ओह समझण दी कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश यह है कि वो विद्यार्थी जेड़े अंग्रेजी नूं औखा समझते ने सौखा समझण लग जाण, जेड़े विद्यार्थी अंग्रेजी नूं नफरत करते ने वो अंग्रेजी नूं प्यार करन लग जाण। प्यारे विद्यार्थी, जदों सानूं किसे नाल मोह हो जाता है, किसे नाल प्यार हो जाता है, तो आपां नूं उस दीआं हर माड़ियां ते औखियां गल्लां भी चंगियां लगन लग जांदियां। इसे तरह ही जदों सानूं अंग्रेजी नाल प्यार हो जाएगा ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਊਆ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। अक्सर मैं देखिया कि असी बहुत जोर ला रहे होंगे विद्यार्थी नूं पढ़ाने दे विच, पर विद्यार्थी किते होर ही होंदे हन, विद्यार्थियों नूं बेसिक वर्ड्स नहीं आउंदे होंदे, जिस करके एक हिसाब नाल मैं उन्हां नूं अंग्रेजी पढ़ा के टॉर्चर कर रहा हूं। जदों मैं इहो जिहियां स्थितियां देखियां तां फिर मैनूं लग्या कि जिस तरह मैथ समझण लई ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਤਕਸੀਮ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਥੀਮ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਵਰਡਸ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ।